अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरी। दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया। कल वेनसडे के दिन राज्यसभा में इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से पेश किया गया और 6 घंटे चर्चा होने के बाद इस राज्यसभा में इस बिल के ऊपर ये बिल आसानी से वहां पर पास हो गया। राज्यसभा में 125 लोगों ने यानी सांसदों ने इसके समर्थन में वोट किया, वही 105 सांसदों ने इसके विरोध में वोटिंग करी इस बिल के, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के। वही दोस्तों, जब इस पर चर्चा चल रही थी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि मुसलमान जो है इस देश के वो डरे हुए हैं इस बिल को लेकर। पर मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो डरे ना, ये उनके खिलाफ बिल बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमान इस देश के हैं, वो इस देश के ही रहेंगे। पर इसी को लेकर दोस्तों, कांग्रेस के एक राज्यसभा के सांसद ने कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान किया और अमित शाह जी के बिल्कुल मुंह के सामने और मुंह देखते रह गए अमित शाह। मैं उनकी एक वीडियो दिखाने वाला हूं, कपिल सिब्बल ने क्या जवाब दिया इसको लेकर कि मुसलमान डरे हुए हैं, जो अमित शाह जी ने कहा था। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, राज्यसभा के सांसद कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अमित शाह जी को क्या बड़ा बयान दिया और क्या जवाब दिया था, आप उनकी वीडियो देखिए। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं जो इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं।